स्टूडेंट केमिस्ट्री का आज हमारा 6 मई 2020 का लेक्चर नंबर 12 है, जिसका टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट, के कैसे CO2 जो है उसने एक एनवलॉप बनाया हुआ है और उसकी वजह से सूरज की रेज आती तो हैं लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन वापस नहीं जाती और उसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसको हमने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया था। जितनी CO2 की मिकदार ज़्यादा होगी उतनी हीट ट्रैप ज़्यादा होगी और ग्लोबल वार्मिंग उतनी ज़्यादा होगी। आज हमने उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी रेट से इंक्रीज़ होती रही, ठीक है, तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रेट जो है उसकी मिकदार इंक्रीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है जो हमारा वो 0.05 डिग्री सेल्सियस हर साल बढ़ रहा है। एवरेज जो टेम्परेचर उसका है वो हर साल 0.05 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है पिछले साल के टेम्परेचर से। अगले साल जो टेम्परेचर है 0.05 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये किस वजह से है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट हवा में ज़्यादा हो जाएगी, इट्स मीन जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतनी हीट वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा ट्रैप करेगा और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हर साल इतना इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि ये वेदर पैटर्न को भी चेंज करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई तो मींस कि जितनी इसकी रेंज नॉर्मल हमें चाहिए थी वो उससे मज़ीद बढ़ रही है। अगर वो बढ़ रही है तो इस मीन जो वेदर पैटर्न है वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा, शिद्दत अख्तियार हो जाए अख्तियार कर जाएगा, ठीक है। यानी कि वेदर पैटर्न हमारा जो है उसका भी चेंज होगा और जो वेदर इवेंट होते हैं अब वो एक्सट्रीम पॉइंट पे होते हैं। अक्सर आपने भी पिछले दिनों देखा कि बारिश हुई वो एक्सट्रीम पॉइंट की हुई, ठीक है, या गर्मी होती है तो बहुत शदीद होती है। अगर आप इससे पिछले सालों में चले जाएं तो काफ़ी आज से 20 साल पहले 25 साल पहले देख लें तो ज़मीन का इतना टेम्परेचर भी नहीं था और ना ही वेदर जो है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता था, ठीक है। थर्ड वन पे उसने बताया कि अगर यही लेवल रहा ग्लोबल वार्मिंग का, कि ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से इंक्रीज़ होती रही तो इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं या आइस कैप्स हैं, जो बर्फ़ानी तोदे वगैरह है वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, बर्फ़ानी चोटियां जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगी और उनके मेल्ट से क्या हो जाएगा, हमें सैलाब का ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है उसका जो लेवल है जिस लेवल तक हमें चाहिए होता है नहरों में समुद्रों में या दरियाओं में वो उस लेवल से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से सैलाब आने का ख़तरा हो जाएगा, ठीक है, या इसमें इसकी वजह से शदीद तूफ़ान आने के भी खतरात हो सकते हैं। उसके अलावा फोर्थ वन इसका पॉइंट है कि अगर इसी तरीके से पानी समुंदर में बढ़ता रहा, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि ग्लेशियर्स और आइस कैप के मेल्ट होने से सी लेवल जो है वो राइज हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पानी है उससे निकल के जो उसके इर्द गिर्द जो उसके सी लेवल के इर्द गिर्द जो एरिया है जो कि उससे नीचे निशेबी इलाके हैं थोड़े नीचे हैं उससे, तो पानी उनकी तरफ चला जाएगा। अगर यहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो जाएगा इट्स मीन ये एरियाज पॉपुलेटेड नहीं रहेंगे, ठीक है, ये हैबिटेबल नहीं रहेंगे, रहने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा होना शुरू हो जाएगा और लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से फिर आबादी ख़त्म होती जाएगी, ठीक है। जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग के ये इफेक्ट्स देख लें, साइड पर भी बने हुए उन्होंने बताया ग्लोबल वार्मिंग से आइस ग्लेशियर्स और आइसबर्ग जो हैं उनके मेल्ट होने का खतरा है। अगर वो मेल्ट होते हैं तो सी लेवल के राइज होने का खतरा है, सी लेवल अगर होगा तो फ्लडिंग वगैरह जो उसके कोस्टल एरियाज़ हैं उसके साथ साथ हैं जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर सैलाब वगैरह होने का खतरा है, जो समुंदर के आगे जो डिफेंसेस हैं उसके फटने का ख़राब होने का खतरा है, और उसके अलावा जो उधर उसके पास पास इलाके हैं उनके जो पॉपुलेटेड एरिया हैं वो हैबिटेबल नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पर सैलाब का खतरा होगा, ठीक है। उसके बाद इस पेज पर नेक्स्ट हमारी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है विच इज़ अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, ठीक है, अब हमने पढ़ना है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में अगर जिस जगह पे बन रही हो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये कोई एयर पोल्यूटेंट नहीं है,
ठीक है, कि यानी कि वैसे ही आपको हवा में पाई जाती हो, कि हवा में जा रही है, नहीं इजीली नहीं जाएगी ये। ये तब प्रोड्यूस होगी जब आप किसी सफोकेटेड एरिया में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस करें, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, फिर अगर कार्बन ऑक्सीजन की कमी हो तो वो इससे ऑक्सीजन लेके मज़ीद जो कार्बन बर्न हो रही होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चली जाती है। ठीक है, अब इस ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इसमें देखें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, और इसकी कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, इस वजह से आप लोग इसकी जब भी ये बन रही होती है ना तो ये आपको समय पता नहीं चलता कि ये बन रही है। ठीक है, अब होता क्या है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ये जो रेड ब्लड सेल में हमारे हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है उसके साथ ये ज़्यादा अच्छे से अटैच होती है। ठीक है, ये जब उसके साथ अटैच होती है और ऑक्सीजन की बजाय ये उसके साथ ज़्यादा अच्छे से अटैच होती है तो ये उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है। अगर सप्लाई कम हो जाए तो आपको सफोकेटेड आप फील करते हो, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अगर आपकी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो फिर वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बिल्कुल बाइंड नहीं होने देती, बल्कि उसकी जगह खुद जल्दी से बाइंड हो जाती है और फिर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। और अगर ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो तो इट्स मीन सफोकेशन से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब बर्निंग जो है, जैसे एक जगह पे कार्बन आप बर्न कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे आपने कोई ऑर्गेनिक मैटर चलाया, जैसे आपने चूल्हा जलाया हुआ है, हीटर चलाया हुआ है, ठीक है, या आप कोई लकड़ी जला रहे हैं, ठीक है, कार्बन पाया जाता है इनमें, ठीक है, CH4 मीथेन वगैरह, या मेनली इनमें से कार्बन जो है बर्निंग प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसे घरों में आने वाला चूल्हे की यह इक्वेशन है कि इसमें कार्बन मोनो डाइऑक्साइड सॉरी वाटर और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आपने देखा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप यही प्रोसेस एक बंद कमरे में करें, ठीक है, तो उसमें जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है वो सारी की सारी अगर यूज हो जाती है तो तब ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है ना वो बंद हो जाती है, तब वो ये कार्बन इस डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन भी लेके किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, अब इसकी जो है इसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है, मैंने आपको बताया, तो आप नहीं देख सकते कि धूम में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही, ये प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, फिर वही बात कि ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगी तो ये सफोकेशन होगी जिसकी वजह से ये डेथ हो सकती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप बर्निंग का प्रोसेस करें इसको ओपन एयर में करें, इसको क्लोज में नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने पिछले दिनों में निस्बत रोड का एक वाक्या सुना हो, काशी पिज़्ज़ा होम में, उसमें एक बंदा जनरेटर चला के सोया था तो सुबह उन्होंने देखा कि वो मुर्दा पाया गया। वो यही था कि जनरेटर में जब बर्निंग कर रहा था वो प्रोसेस, तो उसमें दुकान में उसकी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होना शुरू हो गई, वो उसके सांस के साथ उसको सांस लेने में दुश्वारी हुई, अल्टीमेटली जो है ना उसके बेचारे की डेथ हो गई। तो वो यही सोच है कि बर्निंग जो हमेशा ओपन एयर में करनी चाहिए ताकि उसे इजीली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस है। इसे इसके लिए ये भी है कि आपको सोने से पहले अपने हीटर चूल्हे वगैरह ये चीज़ें जितनी भी बर्निंग की चीज़ें हैं वो सारी बंद करके सोनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो है कन्वर्टर की। अब चूंकि बात हो रही है इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर कैसे पोल्यूट होता है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें उसे पोल्यूट कर रही हैं, तो हमने देखा जो गाड़ियां हैं उसके पीछे जो लगा होता है उनका जो धुएं के लिए एग्जास्ट लगा होता है उसको कहते हैं, उसके आगे उनको कन्वर्टर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कन्वर्टर जो है ना वो इस शेप का होता है, कन्वर्टर जो है वो इस शेप का होता है, इसको वो एग्जास्ट के आगे लगाते हैं। अब इसका ये फायदा होता है कि इसके अंदर जितनी भी डेंजरस गैसेस आएंगी, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया वो उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, जैसे ये देखें कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया कन्वर्टर से गुजर के ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के कितने भी ऑक्साइड हो जाएं वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होके बाहर निकलेंगे। इट्स मीन कन्वर्टर का ये फ़ायदा है कि ये एटमॉस्फेयर को लेस पोल्यूटेड गैसेज जो है ना उन वो उसमें भेजता है लेस, इसलिए एनवायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें चाहिए कि गाड़ियों में कन्वर्टर को एग्जास्ट के आगे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करके भेजता है। ठीक है,
बेटा ये आज हमने पढ़ा है पेज नंबर 124, ठीक है। इसमें आप लोगों का ये जो थर्ड पॉइंट है, फ्लड रिस्क जो इंक्रीज़ हो रहा है, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये आपका बोर्ड शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये टेम्परेचर आपका कितना इंक्रीज़ होना चाहिए, ये बोर्ड MCQs है आपका, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। और ये जो आपका है कि बर्निंग ओपन एयर में क्यों होनी चाहिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हमारे लिए डेंजरस है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या नुकसान हैं, या फिर ये सारी चीज़ें, ये वाला जो आपका पैराग्राफ है ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके अलावा ये कन्वर्टर वाला है आपका, ये भी आपने देख लेना है। थैंक यू।